जेपी नड्डा, अमित शाह का नाम शामिल है। साक्षी आपको बता दें कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री मंजुला शर्मा के साथ ओम बिरला, भूपेंद्र पटेल, मोहन यादव, नायब सिंह सैनी, सीपी जोशी, वसुधा राजे, ओम माथुर, एक लंबी लिस्ट स्टार प्रचारकों की। और बाबूलाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, ये तमाम एक लंबी फेरिस स्टार प्रचारकों की जो अब धुआंधार प्रचार करते हुए बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए नजर आने वाले हैं, कौन कौन से बड़े नेताओं की इसमें तस्वीर? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी करी है बीजेपी ने। इसमें सीएम नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह है, नितिन गडकरी हैं, योगी आदित्यनाथ, मृदुला शर्मा, ओम बिरला, भूपेंद्र पटेल, ओम यादव, नायब सिंह सैनी, सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, ओम माथुर, विनय सहस्त्रबुद्धे, विजय राजकर, परवेश वर्मा, भूपेंद्र यादव, राजेंद्र राठौड़, अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, देवेंद्र फडणवीस, संजीव बालियान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम रूपाला, मनोज तिवारी, अलका सिंह गुर्जर, किरोड़ी लाल मीणा, घनश्याम तिवारी, सतीश पूनिया, राजेंद्र गहलोत, अरुण चतुर्वेदी, प्रकमल कटारा, दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेम बैरवा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और बाबा बालकनाथ को स्टार प्रचारक बनाया गया है। खासतौर से ऐसे वक्त जब सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ दोनों को टिकट नहीं मिला तो दोनों को स्टार प्रचारक बना करके और संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। सतीश पूनिया को हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है तो राजेंद्र राठौड़ को स्टार प्रचारक बना करके और उन्हें राजी रखने की कोशिश की गई है। इन तमाम नेताओं पर जिम्मा होगा जो राजस्थान के हैं, कई चुनाव भी इनमें से लड़ रहे हैं, जैसे ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर है इस वक्त कोटा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी स्टार प्रचारक हैं, लेकिन वो कितना वक्त दे पाएंगे कोटा से बाहर ये देखने वाली बात है होगी, लेकिन उनको भी इस सूची में जगह दी गई है। अरुण चतुर्वेदी टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो वो भी स्टार प्रचारक होंगे क्योंकि पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। घनश्याम तिवारी राज्यसभा के सांसद हैं तो उन पर भी खासा दारोमदार होगा, बहुत तजुर्बा है उनको, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती है। तो वो प्रदेश भर में जो है दौरे करेंगे और लोकसभा चुनाव में पार्टी के जहां जहां भी दिक्कतें महसूस होगी पार्टी को तो उनके तजुर्बे का इस्तेमाल पार्टी करेगी। ऐसे उन नेताओं को भी मौका दिया गया है जो पार्टी के लिए उपयोगी हो सकते हैं और जिनमें क्षमता है पार्टी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने की, तो ऐसे नेताओं को भी स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी गई है। कुल मिलाकर बिग टेकअवेज इस लिस्ट की यही है कि सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौर हो, जिनको टिकट नहीं दिया गया लेकिन उनको संतुष्ट यहां पर जरूर स्टार प्रचारक के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी देकर दी गई है। शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, आज नामांकन का आखिरी दिन है पहले चरण के लिए, लिहाजा अब नामांकन से पहले पावर प्ले की तैयारी। आपको सीधी तस्वीरें जयपुर की दिखाते हैं, ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें जहां पर देखिए मुख्यमंत्री मंजुला शर्मा पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत सत्कार स्टेज पर किया जा है और बीजेपी का पट्टा पहनाकर स्वागत करते हुए डिप्टी सीएम भी आपको दिया कुमारी स्टेज पर मुख्यमंत्री के बराबर में खड़ी हुई नजर आ रही है। आज आपको बताएं कि बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा नामांकन कुछ ही देर में करने जा रही हैं और उससे पहले पावर प्ले की तस्वीरें, नामांकन रैली बहुत महत्वपूर्ण होगा, नामांकन रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री संबोधन देंगे लेकिन उससे पहले दिया कुमारी संबोधन दे रही, उनको सुनते हैं। तो आज सब लोग यहाँ से हम सब संकल्प लेके जाएं कि हम हमारी मंजू दीदी को सबसे ज्यादा वोटों से जिताएंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबका, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मंजू शर्मा जिंदाबाद। मैं आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा, एक सामान्य कार्यकर्ता से इस मुख्यमंत्री की उप मुख्यमंत्री तक जिन्होंने लंबा सफर किया है, तय किया है, बहुत लोकप्रिय है, हमारे प्रेमचंद जी बैरवा साहब से निवेदन है कि हमको संबोधित करें। भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी,
हमारी लोकसभा की प्रत्याशी सम्मान्य मंजू जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानितगण, सामने विराजमान मेरे इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, कि नामांकन भरने पहुंचे प्रताप सिंह काशेवास, उससे पहले क्या कुछ कह रहे हैं उनको सुनते हैं। ताकत इकट्ठी करके इन नेताओं के आदेश पर मैं चुनाव में उतरा, मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि हम घायल हुए हैं, मरे नहीं हैं, और जनता का आशीर्वाद रहा तो जिन लोगों ने आज ये कह दिया कि बीजेपी तो जयपुर से जीत गई, जीत सुनिश्चित है, उनको वोट नहीं चाहिए, लेकिन मैं गहलोत साहब और रणदास साहब की उपस्थिति में हाथ जोड़ के जयपुर के लोगों से हाथ गर्दन झुकाकर वोट मांग रहा हूं, और ये आप ही हमें बचा सकते हो, जयपुर के लोग बचा लिया तो हमारी जान हाजिर आप देखना, मरकर भी निभाएंगे। रिकॉर्ड हार हुई है पिछली दो बार जयपुर से, ऐसे में बड़ा चुनौती रहेगी। देखिए सब हमारे परिवार के लोग हैं, और हमारे परिवार के लोगों को साथ में रखना हमारी जिम्मेदारी है। पार्टी ने उनका टिकट नहीं काटा, उन्होंने खुद ने विड्रॉ कर लिया, मैं खुद वो आदमी। तो प्रताप सिंह खाशेवास को आप सुन रहे थे जो कहते हैं हम घायल हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं, और मैं सिर झुकाकर लोगों से अपील कर रहा हूं कि विजय बनाया। अब से कुछ ही देर बाद नामांकन भी भरते हुए आपको नजर आएंगे खाशेवास, तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचाएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात गृहमंत्री अमित शाह की करते हैं। दरअसल अमित शाह ने पीएको को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया है। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर को पीएम मोदी ही बचाएंगे। अमित शाह ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी तीनों को परिवारवादी पार्टी बताया, और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को रोकने का आरोप भी लगाया। अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में आज तक पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन आज 30,000 से ज्यादा जनता के प्रतिनिधि पंचायती चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं, ये बहुत बड़ी अपने आप में सफलता है। और एक बार फिर आपको जयपुर बीजेपी के मुख्यालय लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता को संबोधित कर रहे हैं, अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, हमारी कैबिनेट में हमारे उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब, हमारे विधायक कालीचरण जी सराफ साहब, बाल मुकुंदाचार्य जी, गोपाल शर्मा जी, हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के प्रबंधक नारायण पंचारिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता इस कलस्टर के प्रभारी राजेंद्र गहलोत जी, और मंच पर विराजमान हमारे बगरू के विधायक भाई कैलाश जी, पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता हमारे एसएस अग्रवाल जी से लेकर के सरदार जी तक और सतीश चंदेल जी तक, और उधर लक्ष्मीकांत जी से लेकर के एसएस अग्रवाल साहब तक, और उधर खड़े सभी कार्यकर्ता, और मेरे सामने सभी कार्यकर्ता माता और बहनें, और आपके बीच में जिन्होंने इस पार्टी को जयपुर में नहीं पूरे राजस्थान के अंदर मजबूती देने का काम किया, और हम आप जैसे कार्यकर्ता आज उनके बनाए हुए कार्यकर्ता सम्मानी हमारे स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा साहब और उनके सुपुत्री मंजू शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया है। एक बार जोरदार तालियों से मंजू जी का स्वागत और अभिनंदन कर। मित्रों यही पार्टी, इसे ही परिवार कहते हैं, और यही परिवार हम लोग मानते हैं कि माननीय भंवरलाल शर्मा जी का योगदान इस जयपुर और राजस्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है, और आज उनकी बेटी ने पार्टी के अंदर जिस तरह से काम किया है, मेरा मोर्चा के जिले में, मंडल से लेकर के जिले में, और जिले से लेकर के प्रदेश के महामंत्री के रूप में आपने काम किया है, आपने चुनाव भी लड़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये कार्यकर्ता की पहचान है, एक ऐसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया है। आप देख सकते हैं कि जिन्होंने पार्टी के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए काम करने वाली हमारी मंजू दीदी को टिकट मिला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं
आज यह मुझे पता है कि राजस्थान के अंदर मैं सभी जगह जा रहा हूं, आज भी मुझे